दोस्तों आजकल जहां एक ओर लोग अपने वजन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरे ओर कई सारे लोग अपने वजन को कंट्रोल करने के बारे में भी पड़े हैं। जितने लोग शायद वजन बढ़ाने के पीछे नहीं पड़े हैं, उससे ज़्यादा लोग वजन को कम करने के लिए परेशान हैं। दोस्तों वजन को मेंटेन करने के लिए कई सारी दवाइयाँ भी मार्केट में आ गई हैं, कई सारे अपने अपने पेय भी आ गए हैं, अपना अपना कोर्सेज भी लोग बता रहे हैं। कई सारी ऐसी भी दवाइयाँ आ गई हैं जो वास्तव में तुरंत अगर वजन कम भी करती हैं, लेकिन लेट एज में वह घातक भी सिद्ध होती हैं और कई सारे उनके ऐसे साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं जिससे हमें बाद में कई बीमारियों से सफ़र करना पड़ता है। दोस्तों वजन कम करने के होड़ में कहीं हम भविष्य में बीमार ना पड़ जाएं, इसलिए वजन कम करने के लिए पहले हम वो बेसिक बातें ज़रूर जानें जिनसे हमारा वजन बढ़ता है या घटता है। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल लोहिया, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको इन सारी बातों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। लगातार आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, और दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और उसके बगल में जो बेल बटन है उसको भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम आपको कोई भी वीडियो डालें, अपलोड करें, तुरंत ही जानकारी प्राप्त हो जाए। तो वजन को कम करना या वजन को बढ़ना एक बहुत ही बड़ी स्ट्रेटजी है। दोस्तों आजकल वजन घटाने के बारे में लोग ज़्यादा जानकारी चाह रहे हैं, इसलिए दोस्तों इस वीडियो में हम आपको सिर्फ वही बातें बता रहे हैं जो हम अपने वजन को घटाने के लिए जानकारी चाह रहे हैं। दोस्तों वजन को कम करने के पहले आइए वह फैक्ट हम बताएँ जिनसे आप बॉडी की एक सामान्य फिजियोलॉजी जान पाएँ। हमारी बॉडी प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, जल और मिनरल्स, इन पांच चीज़ों से बनी हुई है। इन पांच चीज़ों का तालमेल हमारी बॉडी को स्वस्थ रखता है। जब किसी भी चीज़ का तालमेल गड़बड़ा जाए, पानी का तालमेल गड़बड़ा जाए, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, मिनरल्स का, तो हमारी बॉडी में कई तरह के विकार उत्पन्न हो जाते हैं, हम अस्वस्थ हो जाते हैं। ओबेसिटी भी एक तरह की बीमारी है, वजन बढ़ना भी एक तरह की बीमारी है। जब लगातार ज़रूरत से ज़्यादा बॉडी में फैट पहुंचता है या ज़रूरत से ज़्यादा बॉडी में कार्बोहाइड्रेट पहुंचता है या प्रोटीन होता है, तो हमारी बॉडी में प्रारंभिक स्थिति में फैट का बढ़ना या चर्बी का बढ़ना शुरू हो जाता है। दोस्तों ऊपर वाले ने इन तीनों चीज़ों के सामंजस्य को बॉडी में मेंटेन करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन के लिए सेटअप किया है, वह है लीवर। लीवर के द्वारा हमारी बॉडी में एक्सेस फैट है वह कार्बोहाइड्रेट में भी कन्वर्ट हो जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट है वह फैट में कन्वर्ट हो जाता है, जो प्रोटीन है वह भी कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो सकता है, या जो प्रोटीन है वह फैट में भी कन्वर्ट होता है। ओवरऑल अगर देखें तो इन तीनों कंस्टिट्यूएंट्स का आपस में ट्रांसफॉर्मेशन हमारे लीवर के द्वारा संपन्न होता है। इसलिए लीवर हमारे बॉडी को फिटनेस करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है। कई सारे लोग बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए कई तरह की आर्टिफिशियली, जिसमें सो कॉल्ड मेडिसिन डली हुई होती हैं, मिनरल्स डले हुए होते हैं, कार्ब्स डले होते हैं, न्यूट्रिशन डले होते हैं, इस नाम पर देते हैं और बोलते हैं कि इससे हमारा बॉडी वेट मेंटेन होगा। दोस्तों इन सारी चीज़ों को अपनाने के पहले प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट की बैलेंस डाइट है उसको लेना शुरू करें, इससे हमारा बॉडी वेट मेंटेन होगा। जब हम बॉडी वेट को मेंटेन करते हैं तो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा लेने वाली चीज़ों पर रोकथाम लगाते हैं, उनको रोकते हैं, ज़्यादा रोटियां नहीं लेते हैं, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जिसके द्वारा मिलता है, फैट नहीं लेते, ज़्यादा चर्बी वाली चीज़ें नहीं खाते, ऑयली नहीं खाते। तो इन सारी चीज़ों की जब मात्रा को हम कम लेने लगते हैं तो हमारा जो डाइजेशन है वह डिस्टर्ब होने लगता है। ऐसी स्थिति में डाइजेशन को मेंटेन करने के लिए हम लोगों के लिए चाहिए कि हम लोग ऐसा कोई खाना लें जिसमें ना कार्बोहाइड्रेट हो, ना फैट हो, ना प्रोटीन हो। ये चीज़ ऊपर वाले ने बना के पहले से रखी है, जिसको हम बोलते हैं फाइबर।
फाइबर्स रिच डाइट की मात्रा लगातार बढ़ा देने से और जिन चीज़ों में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट अत्यधिक मात्रा में है उसको कम कर देने से हमारा पेट भी स्वस्थ रहेगा और हमारा वेट भी मेंटेन रहेगा। किसी भी बाहरी दवा लेने के पहले या शुरू करने के पहले अगर हम अपनी डाइट में इन फॉर्मूला को उपयोग करें तो हमारा जो वेट है वह स्वाभाविक रूप से ही कंट्रोल होने लगता है। इसके अलावा जो हम लोगों को मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, फ्रूट्स के द्वारा, सलाद के द्वारा, दूध के द्वारा मिलते रहते हैं, इसको कम ना करें, लगातार लेते रहें। अगर इसके अलावा भी आप अपनी बॉडी में महसूस कर रहे हैं कि फिटनेस मेंटेन नहीं हो रही है तो आप घूमना शुरू करें। जो आप अक्यूमुलेट अपने आप में इकट्ठा स्टोर कैलोरीज कर चुके हैं उसको डिसॉल्व करने के लिए आप वॉकिंग टाइम बढ़ा दें, आप एक्सरसाइज बढ़ा दें, पानी की मात्रा बढ़ा दें। पानी जो ठंडा लेते हैं उसकी बजाय हल्का गुनगुना पानी ले सकते हैं। इन सारी स्थितियों के हिसाब से, इन सारी कंडीशन के हिसाब से आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आपका वेट भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। अत्यधिक मात्रा में बाहरी दवाइयों के द्वारा तेज़ी से वेट को कम ना करें, ऐसी स्थिति में बॉडी में हार्म्स होता है, कई तरह के बीमारियां भविष्य में बनने की संभावना है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। गाल ब्लैडर में होने वाला स्टोन की प्रॉब्लम है वह भी ऐसी स्थिति में होती है, रीनल स्टोन की संभावना भी बढ़ जाती है। कई लोगों का बीपी लो होने लगता है, लगातार सिर दर्द हो सकता है, बॉडी में थकान, कमजोरी और नींद की प्रॉब्लम भी हो सकती है, लगातार कमजोरी भी हो सकती है, लगातार ओवर बॉडी वेट कम होने से बॉडी का जो शेप है वह खराब हो सकता है, बॉडी में चेहरे पर अत्यधिक परिवर्तन होने पर कमजोरी जैसा चेहरा दिखाई देने लगता है, हीमोग्लोबिन की भी कमी हो सकती है, बॉडी में कई सारी हड्डियों से जुड़ी भी प्रॉब्लम हो सकती हैं। इसलिए धीरे धीरे अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करें, धीरे धीरे अपने खाने की प्रक्रिया है उसमें बदलाव करें, धीरे धीरे आपका वजन कम होने लगेगा। किसी भी तरह की दवाइयों के द्वारा अपने बॉडी वेट को कंट्रोल करने वाला जो प्रोसेस है वह बहुत ही घातक है और कई बार बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। हमें अपने बॉडी वेट को सहनता से, सरलता से और प्राकृतिक रूप से घटाना चाहिए। हमें अपनी एक्सरसाइज, योगा और मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक पर विशेष ध्यान देना चाहिए, उसकी टाइमिंग बढ़ा देना चाहिए। किसी भी एक्सेस अमाउंट में फैट, कार्बोहाइड्रेट या एसेसरी डाइट लेते हैं उसको बंद करें, एक्सेस कैलोरी लेने से बचें, आपके शेप में भी अंतर नहीं आएगा, आपका जो फिगर है वह भी मेंटेन रहेगा। लगातार अपनी लाइफस्टाइल को वजन घटाने की तरफ अपनी परिस्थिति के हिसाब से एडजस्ट करें। ये कुछ टिप्स हैं जो हमने आपको वजन को प्राकृतिक रूप से कम करने के लिए बताए हैं। आप अगर इन टिप्स के लिए अपनाएंगे तो लगातार आपका वजन कम होगा। दोस्तों लगातार आप